नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा केबल डिजाइन लाई हूँ जो बनाने में बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, चाहे लेडीज स्वेटर में, चाहे बच्चों के स्वेटर में। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ढेर सारे डिजाइन्स देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे हम 7-7 फंदे गिने तो लास्ट में 5 फंदा बचना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 19 फंदे डाले। ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा है। जिस स्टिच है इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे, 4 फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 7 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर करना है, 3 फंदा उल्टा बुनना है, उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा। लास्ट में 4 फंदे आएंगे तो उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदे को उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा। इधर से हमने 3 फंदा उल्टा बुना था, अब वो इधर 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर, 4 फंदा सीधा था, रॉन्ग साइड से 4 फंदा उल्टा हो जाएगा। तो 4 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं 7 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उन दूसरी ओर करना है, 3 फंदा सीधा बुनना है, उन अपनी ओर करना है, 4 फंदा उल्टा। अब लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तो उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदे को सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा एज स्टिच है इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 2-3 फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, दूसरे वाले फंदे में हम ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और पहले फंदे को गिरा देंगे। इस फंदे को हम बाएं सिलाई पे ले लेंगे और दूसरे फंदे को सामने की तरफ से ऐसे बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे। इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे और अब ये तीसरा और चौथा फंदा है तो चौथे फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, इस तीसरे फंदे को गिरा देंगे। अब इसे बाएं सिलाई में लेंगे और इसको ऐसे सिलाई पे चढ़ा देंगे। अब इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए, दूसरा और तीसरा फंदा ऐसे सामने की तरफ से ऐसे गया है। अब उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा। इसे हम दूसरी तरफ से भी बुन सकते हैं। पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंदे में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे और अब पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 2 फंदे बुन लिए। अब देखिए, लास्ट के 2 फंदे बचे हैं तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंदे में ऐसे हम पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और बैक लूप से इसे सीधा फंदा बना लेंगे और अब तीसरे वाले फंदे को भी सीधा बना देंगे। तो देखिए, ये हमारे फंदे ये ऐसे चले हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा
ऊन अपनी ओर। अब ये चार फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। ऊन दूसरी ओर तीन फंदे सीधे, ऊन अपनी ओर चार फंदा उल्टा। लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो तीन फंदा सीधा बुन लेंगे और चौथे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें दोहराना है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे ऊन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर चार फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन का सातवां लाइन और सामने से सातवें लाइन को हम तीसरे लाइन की तरह बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे ऊन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, पहले फंदे को छोड़ के पहले दूसरे वाले फंदे में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे और फिर अब पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो दो फंदा हमने बुन लिया। अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो हम तीसरे फंदे को छोड़ देंगे, पहले चौथे वाले फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और बैक लूप से इसे हम सीधा फंदा बना लेंगे और अब तीसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने चारों फंदों को बुन लिया। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर। फिर से देखिए, पहले फंदे को हम छोड़ के दूसरे वाले फंदे में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे और अब पहले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो दो फंदा हमने बुन लिया। अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो हम पहले तीसरे फंदे को छोड़कर चौथे वाले फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बना लेंगे, फिर तीसरे वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, हमने चारों फंदे बुन लिए, लास्ट में चार फंदे बचे हैं तो तीन फंदा उल्टा बुनेंगे और चौथे फंदे को सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सात फंदों का और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बनाने में बेहद आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत है, जिस भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे वो उस प्रोजेक्ट की ब्यूटी को बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।